हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी हमें धरती के आठवें वैकुंठ बद्रीनाथ में और आज हम करने वाले हैं दर्शन। दर्शन करने के बाद फिर हम चलेंगे भारत के प्रथम गांव माना को एक्सप्लोर करने। यहां हम देखेंगे सरस्वती रिवर जो कि यहां से सीधा पाताल में जाती है। लेकिन इन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक बार ये देखो 81% लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कल हमने पूरा दिन लगातार राइड करते करते हम पहुंच गए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ पहुंचने में हमारी हालत खराब हो गई। 0 डिग्री है गुरु। अगर आपने हमारा पहला वाला ब्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा। अगर आपने हमारा ये वाला ब्लॉग नहीं देखा तो अभी जाकर देखो, हम तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे और अब हमें एक रूम लेना था। रूम मिल जाएगा? दो लोगों के लिए नहीं है। और इतने में ही जो बंदे हमें रास्ते में मिले थे वो भी आ जाते हैं, लेकिन उनका एक बंदा जो क्लासिक 350 से था वो भाई अभी तक नहीं आया। ये बंदा कहाँ रह गया भाई? मेरे को लगा तुम इधर से निकल गए, तुम्हारे साथ होगा। मेरे साथ और क्योंकि हम बद्रीनाथ मंदिर बंद होने के सिर्फ एक दिन पहले यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए यहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं है। हरिद्वार का हिमाचल एक रात ऋषि गए जाते हैं। फिर भाई का कह रहा भाई बद्रीनाथ जा रहा हूँ, चलेगा? मैं भाई देख, मैं श्योर नहीं हूँ, सुबह मेरे उठने से पहले तू यहाँ आ गया। 6 बजे आ गया तो ऋषि गए। दिल्ली से डायरेक्ट आया है। हाँ तुम रुक रहे, हम देख के आए। हाँ ये बंदा कहाँ रह गया भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। हेलो भाई, मैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आगे चले गए क्या? आगे जाम लगा हुआ है ना, आगे आ जाओ भाई, आ जाओ, यही खड़ा हूँ पेट्रोल पंप। ओहो, ठंड तो अच्छी हो रही है। चलो भाई, बद्रीनाथ भी हो गया हर भगवान की कृपा से। इसी का सारा है मुझे तो। इसने बहुत साथ दिया भाई मेरा। जान है, सस्ते में काम कर देती भाई मेरा। हाँ देख रहे हो भाई, क्या अल्टीमेट बंदा है ये। हाइकिंग के लिए उसका पैशन अलग ही समझ आ रहा है। भाई का कोई प्लान भी नहीं था, भाई तो बस भाई दोस्त बनाने के लिए अपनी बहन के घर आया हुआ था। और जो इसके साथ बंदा है वो इसका ऐसा रेगुलर फ्रेंड भी नहीं है, वो एक इंस्टाग्राम फ्रेंड है जिसने मैसेज किया था कि भाई मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, चलोगे क्या? और ये आ गया। देख लो भाई, ऐसा होना चाहिए पैशन, ऐसा नहीं कि प्लान्स बनाते हुए रह जाओ और जा पानी रह गई। विदाउट प्लान ट्रिप्स करने में भाई अलग ही मजा आता है। और वो खड़े अपनी हिमालयन, और अब ये एक और बंदा भी आ गया भाई। आगे तो जाम लग रहा, पीछे से 1 किलोमीटर दिखा रहा मंदिर। चले वहाँ से, है ना? चले वहाँ से, चलो। मैं वहीं तो पहुँच गया था। मंदिर चलते हैं, पहले है ना खाली पड़ा ना, वो पता नहीं अब मेन पता बहुत गंदा है। 1500 में यही ले लो तुम तो, है ना? क्या उसका रूम देखो, जितने भी रूम है ना कोई तुम्हें 1500 एक ये दे रहा 1500 का। उसका रूम बहुत बेकार, बदबू आ रहा। देखा आपने? देखा तो नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है ठीक होगा। इसको बोल दो भाई 2 रूम लेंगे 1500-1500 रूपए के, देते आ जाओ। देख आएंगे एक बार। अरे बढ़िया हो रही है। मट इज माई, यहाँ से 1 किलोमीटर है मंदिर। 1 किलोमीटर मंदिर तो चलेंगे, एक बार रूम देखेंगे। 1 किलोमीटर कहाँ है यहाँ? 1 किलोमीटर कौन बोल रहा हूँ? 500 मीटर भी नहीं है यहाँ। अरे नहीं है भाई, एक रूम देख लेते हैं, पर है ना उतारेंगे कुछ नहीं, पहले मंदिर जाएंगे फिर रूम के अंदर। देखना ऐसे मंदिर थोड़ी जाएगा। अरे अभी देख के तो आएंगे। मंदिर कब तक खुला होगा? मंदिर 9 बजे तक ना, तो आराम से भाई शावर लेके चलेंगे भाई। नहीं हो पाएगा, अरे फिर सुबह ही चालू देख। अरे कंफ्यूज मत हो, पहले रूम देख रहे, रूम देख लो। भैया देख रहे, भैया हुआ एक बंदा हुआ। और सब रूम में जाओ, वहाँ डुबकी लगाओ, जितनी थकान होगी वो सब दूर हो जाएगी। रूम में भाई ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये एक्सीडेंटल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे नहीं पता था कि वीडियो ऑन है या ऑफ है।
तो भाई तुम एमपी से सीधा ही नहीं आए, रुके नहीं बीच में? नहीं, एमपी से झांसी रुके थे फिर। झांसी? हाँ, झांसी एक दिन रुके थे। अच्छा, झांसी से फिर निकले थे सीधा ऋषिकेश। ओ भाई, ऋषिकेश रुके फिर ऋषिकेश से यहाँ पे। यार हिमालयन में मजे तो आते हैं यार राइड के। हाँ, पावर बहुत रिलैक्स हो जाती है। हिमालयन में की और ये ना बेस्ट बाइक है भाई, सबसे बेस्ट है और उससे भी बेस्ट बताऊं, सबसे बेस्ट बताऊं, जो तुम्हारे पास है ना गोल्ड विंग बेस्ट, कोई तुम्हारे लिए वैन जो गोल्ड विंग है वो तो बेस्ट है। गाली कौन दे रहा है भाई? मेरी देख, कहां कोई नहीं जा रहा उधर से कोई नहीं जा रहा, उधर से जा रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई नहीं निकलेगा यार। मैंने ये पहनने पड़े, ठंड लग रही है अपना तो ठीक है। अब मेरे हाथ भी काम करना बंद कर गए थे लास्ट, तो मैंने ना अपने, मेरा इंजन इतना गर्म होता तो मैंने अपने इंजन पे तो ठंडा पड़ा, कूलेंट भी चल रहा है अलग से, वो गर्म ही नहीं हो रहा था। वॉल्यूम कट गया, ये तो फायदा है भाई, ये तो एसडी है, जाता हूं ना मेरा मेन एसडी है, ये नहीं मेरे खाली भाई। अच्छा अच्छा, एसडी का भाव तो ठीक है, मार्केट की बात कर लो, बोल दो भाई 1500 रुपए दे देंगे, दो रूम ले लेते हैं। नहीं, मांग कितने रहे हैं ये तो बता। 2000 प्रति। अरे तो 1000 को ना तो 1500 में आएंगे। अरे उससे आसान ही होना, कर लो आज। 1000 रुपए तो ना दे, वो कह देगा सीधा यहाँ से इधर वापिस चले जाओ। 1000 रुपए में तो यही गए हो, 1500 कोई बोलोगे हम भी बता कर लेते हैं, हम भी बता कर देते, अलग अलग जगह पता कर लेते हैं, फिर यहीं पे मिल जाएगा। क्या बढ़िया ठंड लग रही है गुरु। तो भाई इन आंटी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, बोल रही है जितना बोला है उतने का ही मिलेगा। तो अभी सब निकल गए अच्छे और सस्ते रूम देखने के लिए, और ये खड़ी है हमारी हिमालयन, जिसकी अभी अभी कुछ लोग तारीफ करके गए हैं, लेकिन भाई सच में तारीफ लायक तो है ये। और देखो आप यहाँ पर बस से भी आ सकते हो, बस आपको बिल्कुल मंदिर के पास ही उतारेगी, जो बस स्टैंड है बद्रीनाथ का वो एकदम मंदिर के पास ही है। ऋषिकेश से आपको बस मिल जाएगी, ऋषिकेश से बद्रीनाथ का आपका जो चार्ज है वो 500 से 600 के करीब आपको लगेगा, उसका टिकट खरीद के आप यहाँ तक आ सकते हैं। फिर तो हम देख के आए आगे पैदल पैदल, तुम रुकना है या? तो फाइनली हमें रूम मिल गया, और ये रूम हमें मिला 1400 रुपए में, और ये रूम काफी बड़ा भी है, तो 1400 रुपए मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और क्योंकि बाहर टेम्परेचर 0° to -3° हो रहा है, तो जल्द से जल्द रूम लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि इतनी देर ठंड में बाहर खड़े खड़े तो जान निकल रही थी हमारी। इस रूम में हमें 3 beds और वेस्टर्न लेट पाथ मिल रहे हैं। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर अब हम निकल आए हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा इससे पहले मंदिर बंद हो जाए एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। वो सामने ही है बद्रीनाथ का मंदिर, और यहाँ से बस थोड़ा चल के एक पुल पार करके हमको वहाँ पहुँचना है। और यहाँ लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हुए, और वो सामने देखो क्या सुंदर लग रहा है मंदिर। तो अभी हमें बद्रीनाथ मंदिर के अंदर, और यहाँ से चढ़कर हमें दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि मंदिर के बंद होने का टाइम हो गया है। मंदिर परिसर की सफाई होनी है,
इसलिए मंदिर के अंदर से सबको बाहर निकाला जा रहा है। तो चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। वो देखो यार क्या सुंदर दर्शन मिले हैं मुझको। श्री हरि विष्णु बिल्कुल मेरे सामने विराजमान है, हीरो से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर में ही घूमने लगते हैं। और मंदिर अंदर से देखो ऐसा दिखता है। मंदिर का स्ट्रक्चर केदारनाथ जैसा ही है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर के मेन द्वार की वजह से यह स्ट्रक्चर दिखता नहीं है। हम चलते हैं बाहर क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है। तो अब मंदिर बंद हो गया है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ लेट पहुंचे हैं, वो लोग दर्शन नहीं कर पाए, उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही मंदिर बंद हो चुका था। अब वो लोग सुबह दर्शन करेंगे। अगर हम भी रूम में ज्यादा देर रुक जाते तो हमें भी यहाँ बाहर से ही लौटना पड़ता और सुबह जल्दी उठकर दर्शन के लिए आना पड़ता, और फिर पता नहीं ऐसे दर्शन मिल भी पाते या नहीं। अभी देखो लोग गेट पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, तो हमने भी मौका देखकर कुछ फोटोज निकाल ली। अब पता नहीं दोबारा मौका कब मिले। और ये है वो तप्त कुंड जिसके बारे में वो आंटी बात कर रही थी। और तप्त कुंड में जाओ, वहाँ डुबकी लगाओ, जितनी थकान होगी वो सब दूर हो जाएगी। यहाँ 2400 घंटे गर्म पानी रहता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो जाए, टेम्परेचर माइनस में चला जाए, लेकिन इस तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म ही मिलेगा। तो यहाँ आओ और बढ़िया नहाओ और फिर दर्शन करो। और हमने दर्शन कर लिए हैं इसलिए हम आ गए हैं यहाँ ताकि हम कुछ खा सकें, लेकिन यहाँ की भीड़ देख के लग रहा है कि काफी इंतजार करना पड़ सकता है। तो जब तक हम इंतजार करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भगवान माफ नहीं करेगा।